आइए आज हम बात करते हैं ICSI के बारे में। ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI IVF की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। नॉर्मली जब हम IVF करते हैं तो हम एक एग के पास बहुत सारे स्पर्म को फर्टिलाइज होने के लिए रख देते हैं, बट ICSI में हम एक अंडे को होल्डिंग पिपेट से पकड़ते हैं और एक स्पर्म को इंजेक्टिंग पिपेट के द्वारा उसमें इंजेक्ट कर देते हैं और भ्रूण तैयार कर लेते हैं। ये टेक्निक हम उन लोगों में यूज़ करते हैं जिनके शुक्राणुओं की मात्रा बहुत कम हो, या जिनकी गतिशीलता बहुत कम हो, या उन शुक्राणुओं की संरचना में कोई दिक्कत हो। ICSI हम उन लोगों में भी कर सकते हैं जिनमें पहले कभी IVF हुआ हो और उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम रहा हो, या फिर ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणु मात्रा बिल्कुल निल हो पर अंडकोश में स्पर्म हो। तो ऐसी कंडीशन में हम उनके अंडकोश में से एक टुकड़ा लेते हैं और उसकी माइक्रोस्कोप के अंदर जांच करते हैं। अगर हमें उसमें शुक्राणु मिल जाते हैं तो हम उन शुक्राणुओं को मिलाकर अंडे के साथ भ्रूण तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे लोग भी संतान का सुख ICSI द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।